Hey guys, welcome to Studio Tech. Poco F2 के बारे में काफी लोग के जहन में ये सवाल है कि Poco F2 लॉन्च कब होगा, लॉन्च होने वाला भी है कि नहीं। तो मैं आज इस वीडियो में कंफर्म कर दूंगा कुछ स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स और प्राइस और कब लॉन्च होने वाला है Poco F2 इंडिया में। तो जानने के लिए पूरा वीडियो देखना। सबसे पहले बात करेंगे Poco F1 की। Poco F1 लॉन्च होते ही काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था और Poco F1 हमारे इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन है, जिसने मार्केट में भी बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। Xiaomi का जो नाम है Poco F1 से वो काफी ज्यादा बड़ा है, तो इसलिए Poco F2 में लाने के लिए थोड़ी देरी हो रही है Xiaomi से, क्योंकि इस बार Poco F2 से हमें निराश नहीं करना चाहता और एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक खड़े रहना चाहता है Xiaomi। इसलिए हमें बहुत सारे चेंजेस देखने मिलेंगे Poco F2 से और बहुत सारे इनोवेशंस देखने मिलेंगी। तो जानने के लिए वीडियो एंड तक देखना। सबसे पहले बात करेंगे डिस्प्ले के बारे में। Poco F2 इस बार आने वाला है 6.5 इंच के सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ विद अंडर डिस्प्ले कैमरा, जो अब तक हमें बहुत ही कम फोन्स में देखने मिले Xiaomi के या ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो भी फोन्स निकले, शायद से एक ही फोन होगा जो था MI 9, जिसमें हमें अंडर डिस्प्ले कैमरा देखने मिला था। तो पहली बार हमें Poco के कुछ फोन्स में देखने मिलेगा अंडर डिस्प्ले कैमरा, और कोई भी छोटा सा भी होल पंच होल नहीं होगा कैमरा के लिए। और आगे बात करेंगे, हमें गोल्डन ग्लास 6 का सपोर्ट मिलने वाला है और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले हमें देखने मिला है Poco F2 में, जो हमें वन प्लस के डिवाइसेस में देखने मिला था। तो इसे देखकर तो ये ज़्यादा कंफर्म होता है कि फिर से Xiaomi वन प्लस को टक्कर देते हुए दिखेगी हमें, और ये फोन बहुत ही कम प्राइस में आएगा इन कम्पेयर टू Poco F2, Poco वन प्लस 7T। तो वीडियो एंड तक देखना आगे फीचर्स के लिए। आगे बात करेंगे फोन के कैमरा के बारे में। तो हमने फ्रंट की बात कर ली, फ्रंट में होंगे डुअल कैमरा जो इन डिस्प्ले होंगे, जिनके मेगापिक्सल होंगे 32 प्लस 16। सो फ्रंट कैमरा में काफी अपग्रेड लाया है Poco F2 में Xiaomi ने। अगर रियर कैमरा की बात करें तो इस बार हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने मिलने वाला है वर्टिकली विद 64 प्लस में पिक्सल का प्राइमरी लेंस, सेकंड होगा 12, थर्ड होगा 10 प्लस 5, फॉलोड बाय टेलीफोटो लेंस, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और वाइड एंगल लेंस। तो काफी अच्छा कैमरा क्वालिटी Poco F2 में हमें देखने मिला है, और Poco F2 का जो जी कैम है वो भी देखने में हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ कि कैसे फोटोज आती है। आगे बात करेंगे फोन के चिपसेट की, तो इस बार हमें बहुत ही अच्छा फ्लैगशिप चिपसेट देखने मिल सकता है, जो है Snapdragon 865, जो अभी लॉन्च नहीं हुआ है। तो Poco F2 का जो लॉन्च रेट है वो बताई जा रही है 2020 जनवरी से मार्च के बीच में। तो अगर तब तक Snapdragon 865 लॉन्च होगा तो प्रोडक्शन में Poco F2 में 865 में यूज होते हुए देख सकते हैं, नहीं तो Snapdragon 855 प्लस से Poco F2 लॉन्च होगा। ये बहुत ही बड़ी लीक मिली हमें हमारे ट्रस्टिंग वेबसाइट से। आगे बात करेंगे 2.90 GHz की स्पीड पे जो CPU है वो रेट वो प्रोसेस होगा। आगे बात करेंगे रैम की, तो हमें 2 वेरिएंट में Poco F2 देखने मिल सकता है 8GB और 12GB रैम के साथ विद 512GB स्टोरेज और 256 स्टोरेज। तो काफी ज्यादा स्टोरेज और रैम देखने मिल रहे हैं, और ये सीधा टक्कर देगा वन प्लस 7T और अलग अलग फ्लैगशिप फोन्स को। और जो कैमरा जो चिपसेट है वो तो फ्लैगशिप फोन के जैसा ही है, बट जो प्राइस है वो काफी कम है, मिड बजट में ये फोन हमें देखने मिलेगा। आगे बात करेंगे फोन के बैटरी की, तो 5000mAh की बैटरी देखने मिलेगी विद 50W चार्जर, जो हमें देखने मिला था Realme X Pro में। तो हर कंपनी के फ्लैगशिप फोन को प्लस फ्लैगशिप किलर फोन्स को टक्कर देते हुए दिखेगा हमें Poco F2, और काफी अच्छे प्राइस रेंज में आएगा। इसकी प्राइस बताई जा रही है 25,000 to 30,000 के बीच में, तो काफी अच्छा फोन इस प्राइस रेंज में। तो आपको वीडियो देख के कैसा लगा, क्या आप Poco F2 खरीदोगे कि या नहीं खरीदोगे, कमेंट में बता देना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस देखने हैं हर रोज। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।